अध्याय 5, मानव संसाधन। किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहां की आबादी की गणना की जाती है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 675 है, अथवा रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है, आदि। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि इनमें किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र किया जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहां की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्य कुशलता से कोई ना कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, वह हर साल किस दर में बढ़ या घट रही है, लोग वहां औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, उसमें महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है, उनमें उत्पादकों, काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें नगरों में निवास करने वाले और गांव में रहने वालों का अनुपात क्या है, उनमें साक्षर कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं, उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं। यह सब जानकारी हमें कहां और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी। जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं, इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। देश की आबादी की क्षमता और जरूरतों को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की जरूरत होती है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना जरूरी होता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। घर घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत में कुल 1,21,93,422 यानी 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी है। इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है, जहां विश्व की आबादी का 20% रहता है। 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,40,196
यानी 2,55,00,000 से अधिक थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों में और गांवों में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहां लगभग 69% लोग गांवों में रहते हैं और केवल 31% लोग शहरों में रहते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में शहरीकरण कितना बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता है? हमारे राज्य के लगभग 23% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे। जनगणना का इतिहास। आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन 1749 ईस्वी में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश भारत में 1872 में। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीब 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी। उसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सका था। उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ लागू किया गया। भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है, जिसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1210.19 लाख थी। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 है, नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 940 है। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहां की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाती हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 ही स्त्रियां हैं। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 991 और छत्तीसगढ़ 991। वहीं हरियाणा 877, गुजरात 912 और राजस्थान 926 में राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बालक बालिका का अनुपात 1000 प्रति 914 है। हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। केरल, तमिलनाडु आदि को देखें तो वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। इसके विपरीत देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां यह अनुपात चिंतनीय दशा में पहुंच गया है।
उत्तर एवं पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पितृप्रधान समाज महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर, ऐतिहासिक काल से चली आ रही असमानता आदि कारकों के चलते लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। यहाँ लिंगानुपात 991 है। बस्तर जैसे प्रायः जनजाति बहुल जिलों में लिंग अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है, जबकि बिलासपुर जैसे मैदानी जिलों में अपेक्षाकृत कम है। लेकिन यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। 1991 में 984, 2001 में 975 एवं 2011 में 964 लिंगानुपात रहा। इस प्रकार हमारे प्रांत के लिंगानुपात के आंकड़े एक तरफ जहां महिलाओं की अच्छी स्थिति को बयां करती हैं, तो दूसरी तरफ 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहां भी पिछले 3 दशकों में बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी आती जा रही है। इन आंकड़ों से एक ओर लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीकों के गलत उपयोग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है। आयु संगठन बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात विश्लेषण के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्ग में बांटा जाता है, बालक वर्ग, युवा वर्ग एवं वृद्ध वर्ग। किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादक क्षमता युवा वर्ग में होता है, जो घरों, खेतों, कारखानों व दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्रायः उन पर आश्रित होते हैं। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा। दूसरी ओर वृद्ध जनों के लिए सहायता के विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। इस तरह की नीति निर्माण के लिए यह जानना जरूरी है कि देश व प्रदेश में आबादी की आयु वर्गों का वितरण कैसा है। बालक बालिका वर्ग, इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप में इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता, हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है। युवा वर्ग, इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग आते हैं। गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही दोनों आयु वर्ग के लोग, बालक और वृद्ध, आश्रित होते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज्यादा प्रवास इसी वर्ग से होता है। वृद्ध वर्ग, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है और इस वर्ग के अधिकांश लोग जो नौकरी पेशा नहीं है और जिनका कोई मजबूत आर्थिक आधार नहीं है, अपनी जरूरतों के लिए युवा वर्ग पर आश्रित रहते हैं। किसी देश में अगर बालक बालिका वर्ग के लोग बहुत कम हों, तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा हैं, तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? किसी भी देश में आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। भारत के आयु पिरामिड को आरेख भारत 2014 में देखें। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात वृद्धों की तुलना में अधिक है। उसमें भी 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयु वर्ग से अधिक है। इसका मतलब है कि
अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले उम्र के लोगों में कमी नहीं आएगी। साथ ही वृद्धियों की संख्या कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर कम भार होगा। लेकिन अगर महिला और पुरुष वाले स्तंभ की तुलना करें तो पता चलेगा कि आने वाली युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होने वाली है, क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात बहुत कम है। अब हम भारत के इस आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेखों से करेंगे। पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से पता चलता है कि वहाँ की आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है। वहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 12% से भी कम हैं। यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है, जहाँ अधिकतर लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। इसकी तुलना पश्चिमी यूरोप से करें तो एक और चिंताजनक बात उभरती है। यूरोप में आप देख सकते हैं कि लगभग 35% लोग 50 से अधिक उम्र के हैं, लेकिन अगर हम वहाँ बच्चों की दशा देखें तो पाते हैं कि वहाँ लगातार बच्चों का अनुपात कम होते जा रहा है। अर्थात पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, मगर वहाँ इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वहाँ वृद्धजन अधिक हो जाएंगे। पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं। पहला यह कि यूरोप में आय और स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि ज्यादातर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, जबकि अफ्रीका में गरीबी और कमजोर स्वास्थ्य सेवा के चलते लोग कम उम्र में ही मर रहे हैं। बाल मृत्यु दर वहाँ काफी अधिक है। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए कई यूरोप